स्टार्ट करें आगे फिर। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समांतर श्रेणी में कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक, क्या नियम था पहचानने का समांतर श्रेणी? हाँ हाँ, दो पदों का अंतर निकालेंगे, दो अंतर निकाल के चेक कर लेंगे, अगर दोनों अंतर बराबर हैं तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, है ना, वरना नहीं है। तो अगर समांतर श्रेणी में हो जाता है कोई पद, तो वो जो अंतर निकल के आता है उसको क्या नाम देते हैं? सार्वांतर। याद है? अच्छा, एक चीज़ और हमने आपको बताई थी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब अगर समांतर श्रेणी को सूत्र में लिखना हो, सूत्र की तरह लिख के दिखाना हो, सूत्र में बताया था ना सूत्र कैसे होता है, सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी का, फॉर्मूला ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी फिर ए प्लस थ्री डी फिर ए प्लस फोर डी, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, जहाँ तक हमें चाहिए होगा वो चीज़ हम निकाल लेंगे। ये बात आई समझ में? अच्छा, एक बात बताइए, ये कौन सा पद है? पहला पद है ना, प्रथम पद है ये, इसको हम टी वन से लिखते हैं। किससे? टी वन। टी का मतलब टर्म, टी का मतलब क्या होता है? टर्म। और टर्म को ही हम क्या कहते हैं? पद। तो ये कौन सा पद है? पहला पद है। ये कौन सा पद है? दूसरा पद है। ये कौन सा पद है? तीसरा पद है। इसी तरह से ये कौन सा होगा? चौथा पद होगा, ये वाला पांचवा पद होगा, इसी तरह से आगे छठवां सातवां और आगे, मतलब कंटिन्यू हम कर सकते हैं। ये बात आई समझ में? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, एनसीईआरटी में टी वन टी टू नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में इसी को ए वन ए टू ए थ्री ए फोर लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें प्रथम पद को क्या कहा है? ए वन। द्वितीय पद को ए टू। तृतीय पद को ए थ्री। कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना, क्योंकि वो तो लिखने का तरीका है। अब बार बार ए ए आएगा तो आप कन्फ्यूज होंगे, इसीलिए हम लोग टी से दिखा रहे हैं इसको। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक। पहला पद बताओ क्या है? टी वन। टी वन है ए। अच्छा, टी टू क्या है? ए प्लस डी। एक बार डी जुड़ा ना, एक बार इसी में डी जोड़ दिया तो दूसरा पद मिल गया। टी थ्री कितना है? ए प्लस टू डी। मतलब कि टी वन में ही कितनी बार डी जोड़ दें? दो बार डी जोड़ दें तो ये मिलेगा। अच्छा, टी फोर कितना है? ए प्लस थ्री डी, है ना। टी फाइव कितना है? ए प्लस फोर डी। कैसे? ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक, एक चीज़ नोटिस कीजिए इसमें, यहाँ कितना है? पाँच है ना, पाँचवा पद है ना ये। यहाँ कितना है? पाँच से एक कम है, है ना। यहाँ पर कितना है? पाँच। यहाँ कितना है? चार। पाँच से एक कम। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? चार से एक कम है कि नहीं? यहाँ पर चार है तो यहाँ कितना है? चार से एक कम है। यहाँ कितना है? यहाँ तीन में से एक कम है, दो। नोटिस कर रहे हैं ये चीज़? यहाँ कितना है? दो। यहाँ कितना? दो से एक कम। ये कितना है? एक। तो एक से एक कम करोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा, तो जीरो डी, यानी डी लिखा ही नहीं है। अच्छा, तो एक बात समझ में आई कि जैसे अगर हमें पचवां पद निकालना है तो ए तो सब में रहेगा ही, पाँच से एक कम करके कितना कर देंगे? चार, और साथ में लिख देंगे डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा बताओ, टी दस अगर हमें निकालना हो, दसवां पद, ये कितना होगा? ए प्लस नौ डी, यही तो होगा। अच्छा बताओ, टी ग्यारह कितना होगा? ए प्लस दस डी। बात समझ में आई? इसी को लिखने का एक और तरीका भी है। कैसे? समझिए इस चीज़ को, ये हम फार्मूला प्रूफ करा रहे हैं आपको। जैसे मान लो ग्यारहवां पद निकालना है तो ये लिख दिया, बारहवां पद निकालना है तो ए प्लस ग्यारह डी लिख देंगे, है ना। लेकिन कोई एक फार्मूला तो होना चाहिए, कब तक ऐसे तुक्के लगाओगे कि एक कम करके लिख देंगे? कई जगहों पर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ आपको फार्मूला ही चाहिए होगा। तो फार्मूला कहाँ से आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ए। इसको क्या ए प्लस जीरो डी लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगी, जीरो का डी में गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा ना। अच्छा, इसी चीज़ को और डिटेल में लिखना चाहें तो वन माइनस वन इंटू डी लिखा जा सकता है, वन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अगर यहाँ डी लिखा हुआ है तो इसको हम ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मतलब क्या ये लिखा है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है? नहीं, कर क्या रहे हैं हम लोग? यहाँ कितना? वन, तो यहाँ भी कितना? वन। यहाँ कितना? टू, तो यहाँ भी कितना? टू। यहाँ कितना? थ्री, तो यहाँ भी कितना? एक ही नंबर में ये चीज़ें अरेंज करके हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना।
टी फोर कितना होगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, यही तो होगा। टी फाइव कितना होगा, ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी। अच्छा, हम एक एक पद के लिए नहीं निकालेंगे कि सातवां कितना होगा, आठवां कितना होगा, हम क्या करेंगे, सीधे एक फॉर्मूला बना लेंगे। अगर यहीं पर टी एन होता, क्या होता, एन मतलब एनवा पद, कौन सा पद। अब आपको अगर पांचवा पद चाहिए तो एन का मान कितना रख दो, पाँच। दसवां पद चाहिए तो एन का मान कितना रख दो, दस। कितना हो जाएगा, सीधे फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होगा कि नहीं होगा, ये देखिए, पाँच था तो पाँच माइनस एक हुआ था, चार था तो चार माइनस एक हुआ था, एन है तो एन माइनस एक होगा। तो ये फार्मूला मिल गया हमें, क्या, एनवे पद का सूत्र, टी एन बराबर कितना होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आई, एन सी आर टी इसी को ए एन लिखती है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी फार्मूला तो एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, कोई दिक्कत यहाँ से। अच्छा, इसमें पहचानो, ये ए एन क्या है या टी एन क्या है, एनवा पद, जो पद हमें ज्ञात करना है वही है ये, है ना। ये ए क्या है, क्या है, हाँ पहला पद है ये, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। डी क्या है, सार्वांतर कहते हैं इसको, बताया था ना, सार्वांतर। अच्छा, सार्वांतर कैसे निकलेगा, टी टू माइनस टी वन या फिर टी थ्री माइनस टी टू, सार्वांतर निकालना तो हमने बताया आपको। एन क्या है, किस नंबर का पद आपको ज्ञात करना है वही है। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिटा दें, नोट करेंगे इसको, मिटा दें, चलिए नोट कर लीजिएगा फिर बाद में, है ना। जैसे एनवे पद का सूत्र क्या आया था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो आया था। अच्छा, बताओ सातवां पद क्या होगा, तो बस एन की जगह कितना रख दोगे, सात, ए प्लस सात माइनस एक गुणे डी, ए प्लस छः डी, यही हो जाएगा इसका एनवा पद, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, दूसरी बात, अभी आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि सर ये फार्मूले की क्या ज़रूरत थी, हम तो टी सेवन सीधे सीधे मुझबानी बता देते कि ए प्लस सिक्स डी होता है, है ना। लेकिन जहाँ पर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, प्रूफ करने वाले सिद्ध करने के लिए आएंगे, वहाँ पर इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कहेगा एनवा पद ये है, एमवा पद वो है, तो इसीलिए फार्मूला तो हमें इसका चाहिए। अभी और भी आगे चीज़ें डिटेल में समझेंगे। जैसे मान लो एक श्रेणी दी है, तीन चार या तीन आठ तेरह अट्ठारह डैश डैश डैश, हमने पूछा बताओ इसका सत्रहवां पद क्या होगा, कौन सा पद, सत्रहवां पद। तो आपने तुरंत क्या लिखा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें दिया क्या क्या गया है हमें, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ना। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू है तीन, और क्या चाहिए, डी चाहिए। डी कैसे मिलेगा, कभी भी मुंहजबानी नहीं करेंगे, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा गलती होती है डी निकालने में, है ना। हम लोग मुंहजबानी कैलकुलेट करते हैं, कहीं कहीं प्लस माइनस का थोड़ा सा भी गलती हुई तो ये क्वेश्चन पूरा गलत कर देगा। तो हम लिख के करेंगे टी टू माइनस टी वन, आठ में से तीन गया पाँच, तो डी की वैल्यू कितनी आई, पाँच। अच्छा, एन कितना है, जब आपको सत्रहवां पद निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी है, सत्रह। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ फार्मूले में रख दो, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू तीन प्लस एन की वैल्यू सत्रह माइनस एक गुणे डी का मान पाँच, ठीक। तीन प्लस सत्रह में से एक गया सोलह, सोलह गुणे पाँच, सोलह पंचे अस्सी और तीन तिरासी, आंसर कितना आ गया। तो इसका सत्रहवां पद कितना होगा, तिरासी, सीधे हमें पता चल गया ना। हमने बीस का कोई पद कैलकुलेट नहीं किया, चौथा पाँचवा छठवां, उससे हमें मतलब ही नहीं है, हम सीधा कौन सा पद निकाल दे रहे हैं, सत्रहवां। चाहे तो हम इसका पचासवां पद भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले का यही मतलब बेनिफिट है, इस फार्मूले की यही अच्छी बात है कि आप सीधे किसी भी टर्म तक पहुँच सकते हैं, है ना। अगर हम आपसे पूछें सौवां पद बताओ, तो अब आपको सौवां एक एक जोड़ के नहीं देखना है, सीधे लिखो ए प्लस सौ माइनस एक मतलब निन्यानवे डी, ए और डी की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो पूछो, बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको करना हो तो, मिटा दें। चलो एक पद निकाल के दिखाओ आप, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, करिए।
इसका बताइए 105वां पद क्या होगा, इसका 105वां पद कैलकुलेट करके बताइए। इसका 105वां पद क्या होगा निकालिए। आया आंसर? चलिए देखिए हम बता रहे हैं, 105वां पद बताना है ना, टी 105 कितना हो जाएगा, ए प्लस 105 में से एक गया 104 डी, यही तो आएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, मतलब वो तो रखा ही है 104 आपने, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी बराबर हो जाएगा, हाँ यही गड़बड़ हुई, 5 कह रहे हो ना आप, टी 2 माइनस टी 1, तो टी 2 कितना है 12, T1 कितना है 17, 12 में से 17 गया माइनस 5, हाँ अगर लिख के नहीं करोगे तो यही गड़बड़ी होगी, तो माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 एकम 5, माइनस 520 और प्लस में कितना 17, तो 17 में से 520 गया तो 513 आ जाएगा, 503 आ जाएगा माइनस का, यही आंसर हो जाएगा 503। ठीक, तो अब समझ में आया क्यों लिखना ज़रूरी है, ताकि गलती ना हो। ठीक, एक्सरसाइज में आए, अब मिटा दें इसको, फार्मूला याद हो गया कौन सा कितना है, फार्मूला बताओ क्या है एनवे पद का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अच्छा बताओ 50वां पद क्या होगा, किसी भी श्रेणी का 50वां पद क्या होगा, ए प्लस 49 डी। 76वां पद क्या होगा, ए प्लस 75 डी। ठीक।